आप किसी भी फ्री लांसिंग वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे कि मैं इस वक्त फाइवर पे हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड से बनाई गई प्रेजेंटेशंस को सेल किया जा रहा है और इनके ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी ना पावर पॉइंट का पता है ना गूगल स्लाइड का पता है, और ये भी नहीं पता कि प्रेजेंटेशन कहते किसको हैं, तो उसके बावजूद हम ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप AI का चैनल बनाना चाहते हैं जैसे कि मेरा अपना चैनल है, तो आप यहाँ पे नीचे लिंक में जाके और मेरी वेबसाइट पे जाके ये पेड कोर्सेज देख सकते हैं। इसके अलावा YouTube का कंप्लीट कोर्स SEO के साथ भी अगर आप करना चाहें तो आप रابطہ कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, स्लाइड पायलट के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पे फ्री में हमने लॉगिन करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई पैसे नहीं देने। नीचे आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट्स दिखा रहा है आपको, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। तो हमने साइन अप फॉर फ्री कर दिया और सिर्फ अपने गूगल से लॉगिन कर लिया, इस तरह का पेज आ जाएगा। हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ये पूरी प्रेजेंटेशन आउटलाइन के साथ बना के दे देगा। तो मैंने लिख दिया कि हाउ टू अर्न विद यूट्यूब, यानी यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाएँ, इसके ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा और कुछ सेकंड में ही इसने इसकी आउटलाइन बना के दे दी। आउटलाइन का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटेशन के पेजेस होते हैं, पहले पेज की हेडलाइन क्या है, कौन सा टॉपिक है। यहाँ से इसको चेंज भी किया जा सकता है, अगर आपको कोई आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही या आप चेंज करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ बैक स्पेस से इसको आप मिटा सकते हैं और अपना लिख सकते हैं, या ट्राई अगेन कर सकते हैं कि वो दोबारा आपको जनरेट करके दे देगा। और अगर आपको ये ठीक लगे तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, नीचे जो आपका कंटिन्यू का बटन है। तो ये इन सारी आउटलाइन की कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन बना के आपको दे देगी, उस प्रेजेंटेशन को आप कहीं पे भी दे सकते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको टेम्पलेट कौन सा चाहिए, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी का जो आपको अच्छा लग रहा हो टेम्पलेट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट हैं आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो आपको सूट करे। तो जैसे मैंने ये ले ली, इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब ये इस प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए तमाम आउटलाइन और तमाम जो हमने इसको डाटा बताया था प्रेजेंटेशन बना दी। तो ये देखें प्रेजेंटेशन बन चुकी है। ये पहला पेज है, अर्निंग विद यूट्यूब अनलॉकिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन वीडियो कॉन्टेंट। इसमें हम अपनी इमेजेस भी डालेंगे क्योंकि इसने इमेजेस नहीं डाली है, यूट्यूब का लोगो होना चाहिए। वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप वन बाय वन करके इसके पेजेस चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, पावर पॉइंट पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी पावर पॉइंट में अगर आपने इसके ऊपर मज़ीद कोई काम करना है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, और अगर आप गूगल स्लाइड के ऊपर जाके इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं वहाँ पर भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लिया। अब हमने इमेजेस कैसे डालनी है, तो ये डाउनलोड में गूगल स्लाइड की ऑप्शन भी है, पावर पॉइंट की भी ऑप्शन है, तो मैं इसको पावर पॉइंट करके भी सेव कर सकता हूँ। ये ऊपर सेव हो जाएगा और यहाँ से इसको ओपन किया जा सकता है डाउनलोड में से। तो मैं आप गूगल स्लाइड पर चला जाऊँगा, आप जैसे ही गूगल स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको गूगल स्लाइड के पेज पर ही ले जाएगा। अब ये गूगल स्लाइड में ओपन हो चुकी है, आपके सामने पेजेज आ रहे हैं पूरी प्रेजेंटेशन के। किसी भी प्रेजेंटेशन को एडिट करने के लिए उस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट का बटन आपको आ रहा होगा। हमने इमेज डालनी है तो हम वेब को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो इमेज हमारे सामने आ जाएगी। जैसे मैंने YouTube लिखा, मुझे YouTube का लोगो चाहिए था क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन YouTube के हवाले से है। अब इस लोगो को मैं छोटा बड़ा करके कहीं पर भी रख सकता हूँ, और जो भी यहाँ पर फॉन्ट और कलर हैं उनको चेंज भी किया जा सकता है, फॉन्ट को भी चेंज किया जा सकता है, कलर को भी चेंज किया जा सकता है, और मज़ीद इसमें इमेजेस डाली जा सकती हैं ताकि AI से जो आपने चंद सेकंड में एक प्रेजेंटेशन बनाई थी उसको मज़ीद अच्छा किया जा सके। इसी तरह मैं आप किसी और पेज पे आता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे कोई इमेज ऐड करनी है। अब जैसे ये पेज है, इसमें अर्निंग के हवाले से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई डॉलर या इस तरह की मनी टाइप का कोई लोगो होना चाहिए। तो मैं फिर इंसर्ट में गया, इमेज में गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मनी PNG फाइल, यानी जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो।
तो ये मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, मनी भी दिखा रहा है, डॉलर भी है और करेंसी पड़ी हुई है। तो कोई भी आपको अच्छी लगे उसको आपने जस्ट क्लिक करके इंसर्ट कर देना और फिर इसको छोटा बड़ा करके कहीं पे भी रखा जा सकता है जहाँ पे आपको ये प्रॉपर ठीक लगे। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन एक लाइन लिख के चंद सेकंड में बना सकते हैं और उसको सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। पहले आप ज़रूर जाके अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर पे देखिएगा कि ये प्रेजेंटेशन रियली कितने पैसे अर्न कर रही हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई आपका सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद नए AI टूल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।